हेलो दोस्तों दोस्तों एक ज़माना था जब भारत का कंपटीशन होता था अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ। जो प्रगत हो चुके देश है उनके साथ में हमारा कंपटीशन होता था, जो डेवलप कंट्रीज़ है उनके साथ में हम लोग कॉम्पिटिशन करते थे। और आज हमारे ऊपर ये दिन आए हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन हो रहा है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, जो बिल्कुल भी गए गुजरे देश है उनके साथ में हम लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, अपना कंपटीशन कर रहे हैं। जबकि हमें कंपटीशन करना चाहिए स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ, इंग्लैंड के साथ। ऐसे देशों के साथ में अगर हम लोग कंपटीशन करेंगे तो वहाँ की जो भी अच्छाइयाँ है वो हम लोग ले सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करके क्या हासिल करने वाले हैं? पाकिस्तान के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या डेवलपमेंट है? कुछ भी नहीं है दोस्तों पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान तो बिल्कुल भिखारी देश है, तो उससे कंपटीशन करके हमें क्या हासिल होने वाला है? दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सेंट्रल में बनी है तब से हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिक्स होना चाहिए शिक्षा के ऊपर, हमारा पॉलिटिक्स होना चाहिए स्वास्थ्य के ऊपर। दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ डिबेट चलता है हिंदू मुस्लिम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। चाहे तो आप जाकर कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए, हर दो दिन में चार दिन में डिबेट होता है पाकिस्तान के ऊपर, हर दो दिन में चार दिन में डिबेट होता है मंदिरों के ऊपर, हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर। जबकि हमारी डिबेट्स होने चाहिए जो डेवलप कंट्रीज़ है वो क्या कर रहे हैं उनके यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है। जबकि हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए डेवलप कंट्रीज़ कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर। स्वास्थ्य के विषय में हमको डिबेट करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य को हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, मोहल्ला क्लिनिक्स को, हमारे यहाँ पे जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उन्हें हम कैसे अच्छे कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल्स को जाके देखिए उनकी हालत कितनी बुरी है, तो हम हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल्स को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। हम हमारे यहाँ पे बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे अच्छी दे सकते हैं, फ्री में शिक्षा कैसे अच्छी दे सकते हैं ताकि बच्चों को पैसा खर्चा करना ना पड़े और गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छे से अच्छी शिक्षा पा सके, उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सेंट्रल में आई है तब से हमारे टीवी डिबेट के विषय एकदम बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो भी टीवी के सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। सारे सब्जेक्ट्स सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन इश्यूज़ के ऊपर ही हो रहे हैं। दोस्तों मोदी सरकार ने सिर्फ इन इश्यूज़ के ऊपर 4-5 साल के अंदर काम किया है। और क्या अमित शाह का कहना है आप खुद ही देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ना तो हमने कोई कॉलेजेस बनाए, ना तो हमने कोई यूनिवर्सिटीज बनाई। अमित शाह का क्या कहना है आप ही देखिए इस वीडियो के अंदर। 24 घंटा बिजली नहीं मिली, गांव में अस्पताल नहीं बना है, युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करे, खेत में पानी नहीं पहुंचा, घर में बिजली नहीं पहुंची, युवा के पास रोजगार नहीं पहुंचा। दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वही एक सरकार है जो दिल्ली के अंदर काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है ऐसा दिख रहा है। बाकी के जो भी गवर्नमेंट्स है वो कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पता ही नहीं चल रहा है, क्यों तो उनके कुछ काम दिख ही नहीं रहे। तो दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उन्होंने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। क्या क्या उन्होंने काम किया पिछले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, आप खुद ही उनकी ज़ुबानी ही सुनिए इस वीडियो के अंदर। मैंने क्या किया है, मैंने आपके टैक्स के 85 रुपये चोरी होने से बचा लिए, बस ये किया है मैंने। अब ये 85 रुपये जो चोरी होने से बचाए मैंने, इन 85 रुपयों में से 75 रुपये मैं आपके स्कूल बनाने में खर्च कर देता हूँ, मैं आपके अस्पताल बनाने में खर्च कर देता हूँ, आपकी सड़कें बनवा रहा हूँ, सारी कॉलोनियों में सीवर की पाइपलाइन डलवा रहा हूँ, नालियाँ बनवा रहा हूँ, गलियाँ बनवा रहा हूँ, पानी की पाइपलाइन डलवा रहा हूँ। ये सारे काम जो 85 रुपये भ्रष्टाचार से बचाए मैंने, उसमें से 75 रुपये इस पर खर्च कर देता हूँ काम करवाने पर, और जो 10 रुपये बचे उससे आपकी टिकट फ्री कर देता हूँ, उससे आपकी बिजली सस्ती कर देता हूँ, उससे आपका पानी सस्ता कर देता हूँ, उससे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल में पढ़ाई मुफ्त कर देता हूँ, उससे आपके अस्पतालों में दवाइयाँ टेस्ट मुफ्त कर देता हूँ,
उससे हम ऐसी योजना ला सकते हैं कि दिल्ली में अगर किसी का भी एक्सीडेंट होगा तो दिल्ली सरकार उसका सारा इलाज मुफ्त कराती है। दोस्तों, इन वीडियो से आप तो जान चुके होंगे क्या कौन सही में काम कर रहा है, मोदी सरकार सही से काम कर रही है या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार सही से काम कर रही है। तो उसी को चुनो जो सही है दोस्तों, ना कि उसको जो कुछ भी गलत बातें कर रहा है, जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की डिबेट में उलझा रहा है, जो शिक्षा पे स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप चुनिए मत। अगर हमें कॉम्पिटिशन ही करना है तो हमें कॉम्पिटिशन करना चाहिए दुबई के साथ में। आप दुबई को देखिए, 30-40 साल पहले पूरा रेगिस्तान था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और आज दुबई दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री बना हुआ है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला कंट्री बना हुआ है। आज दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर वन के ऊपर है, दुनिया की नंबर वन की होटल्स, दुनिया की नंबर वन की बिल्डिंग्स आज दुबई के अंदर है। तो हमें अगर कॉम्पिटिशन करना है तो दुबई से करिए, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। और हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स है जो दिल्ली को दुबई की तरह बना सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर सही से मौका मिले तो दिल्ली को अच्छा डेवलप कर सकते हैं। अभी तो उन्हें सिर्फ 5 साल मिले थे, 5 साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, अगले 5 साल के अंदर वो बहुत कुछ काम करेंगे। अगर उन्हें 20-25 साल के लिए अगर दिल्ली मिल जाता है तो दिल्ली को दुबई के जैसे बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को आप बिल्कुल सपोर्ट करिए। दोस्तों, अगर हमें कॉम्पिटिशन करना है तो हमें कॉम्पिटिशन करना चाहिए डेवलप कंट्रीज़ के साथ, ना कि पिद्दे से कंट्रियों के साथ। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।